नमस्ते सभी को, आप सभी का शरीर शोधन क्रियाओं की क्लास में स्वागत है। चलिए हम लोग सबसे पहले प्रेयर करके फिर क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर, ओम शहनावतु शहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्युद्विषावहे। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। सेकेंड प्रेयर साथ हमारा राष्ट्रगान है। हम लोग अपनी अपनी जगह पे जहाँ हैं वहीं पे खड़े होकर राष्ट्रगान कर लेंगे। स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। थर्ड प्रेयर साथी, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be. बहुत बहुत स्वागत है साथियों, और आज हम लोग यकीन मानिए कि नए दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। इस जीवन को एक नए स्तर पे हम लोग समझने वाले हैं, और तो आप सभी का इस नई दुनिया में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज त्राटक क्रिया होगी, तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा पीपीटी है, हम लोग पीपीटी खोल के क्लास को शुरू करते हैं। आई होप कि मेरा वॉइस, वीडियो और पीपीटी यह तीनों चीज आपको क्लियर है। अगर आपको तीनों चीज क्लियर है तो जस्ट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में आप यस लिखें कि हाँ क्लियर, ऐसा क्लियरिटी है जिससे हमारे मुझे मेरी टीम के लोगों को पता चल जाए कि सब कुछ क्लियर है। और अगर सब कुछ क्लियर है तो यस लिखें और मुझे क्लास शुरू करने की आज्ञा दें। चले साथियों, मैं क्लास शुरू करता हूँ। और देश योग की जो तीन प्रेयर्स है मैं कर चुका हूँ। क्लास शुरू करने से पहले, चूंकि यह शरीर शोधन क्रियाओं की क्लास के बैच का जस्ट प्रारंभ है, तो थोड़ा सा जस्ट एक रिवीजन, जो शायद कुछ लोग ऐसे हों जो बिल्कुल नए हों, आप हो सकता है शरीर शोधन के जो परिचय की क्लास है, क्रियाओं के परिचय की क्लास या डेमो की क्लास न देखे हों, तो जस्ट उसके लिए। साथियों, शरीर शोधन क्रियाएं हमारे ऋषियों द्वारा खोजी गई ऐसी विधियां हैं, ऐसी क्रियाएं हैं, अगर उनका हम अभ्यास करते हैं तो आप यकीन मानिए कि इस जीवन में आने वाले 99% रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। शरीर शोधन क्रियाओं को आप एक लाइन में इंटरनल वॉश कह सकते हैं, पूरे बॉडी को अंदर से धुलना, वही चीज है। कौन कौन सी शरीर शोधन क्रियाएं हैं
शरीर शोधन क्रियाएं त्राटक नेती धौती बस्ती नौली कपाल भाती, यह जेनेरिक नेम है जो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं। इस सब अल्त्राटक कई तरह का होता है, नेती कई तरह की होती है, धौती कई तरह की होती है, बस्ती नौली कपाल भाती ये सब कई तरह के, लेकिन ये छह मुख्य क्रियाएं हैं। और ये शरीर शोधन क्रियाएं, जैसे अगर आप जो राइट साइड में जो दिख रहा है पिक्चर, जो त्राटक क्रिया दिख रही है, ये आँख और सिर के एरिया, आँख का क्षेत्र जो नेत्र क्षेत्र है, उस एरिया के टॉक्सिल निकालने के लिए होती है। जल नेति, सूत नेति, नयन नेति और जल कपाल भाती, और ये चार क्रियाएं हैं। इसके अलावा भी एक और कपाल भाती, वो भी नासापान जिसको कहते हैं, ये सब नाक के एरिया की, उसको व्युत्क्रम कपाल भाती शायद मैं नाम भूल रहा हूँ। तो ये जो क्रियाएं हैं ये नाक के और गले के एरिया के सफाई के लिए काम आती है। कपाल भाती क्रिया आपके सीने के एरिया के सारे टॉक्सिन निकाल देता है। वस्त्र धौती, दंड धौती और अग्निसार, ये तीन क्रियाएं आपके पेट के रीजन के, जो स्टमक रीजन है, उसके सारे टॉक्सिन निकाल के बाहर कर देती हैं। और जल बस्ती जो क्रिया है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो ग्रोइन वाला क्षेत्र है, एनस का जो क्षेत्र है, कोलोन जिसको कहते हैं, उस एरिया का, बड़ी आंत जिसको कहते हैं, उस एरिया के सारे टॉक्सिन को निकाल के बाहर कर देती है। और साथियों, अगर ये इतने सारे टॉक्सिन आपके निकल जाए तो आपके शरीर में रोग रह ही नहीं सकता। और ये शरीर शोधन क्रियाएं, चूंकि बैच हमारा प्रारंभ हो रहा है, तो कौन कौन सी क्रियाएं हैं मैं थोड़ा थोड़ा, ये पहली क्रिया त्राटक है, ये सब क्रियाएं जितनी यहाँ 10 क्रियाएं दिख रही हैं, ये सारी क्रियाएं आपको अलग अलग बताई जाएंगी। लेकिन चूंकि बैच शुरुआत हो रहा है, तो जस्ट एक रिविजन के लिए, त्राटक क्रिया, नयन नेति, जल नेति, सूत नेति और जल कपाल भाती, कपाल भाती, दंड धौती, वस्त्र धौती, अग्निसार और जल बस्ती, इतनी सारी क्रियाएं आपको इस जिस बैच में आप जुड़े हैं इस बैच में सिखाई जाएगी। पहली क्रिया जो त्राटक है, यही आज की क्रिया का क्लास है। त्राटक क्रिया मतलब आप आंखों की सफाई कह सकते हैं। नयन नेति मतलब आंखों का ब्रश, टूथब्रश जैसे रोज करते हैं वैसे आंखों के ब्रश के लिए नयन नेति, जल नेति नाक का ब्रश है, सूत नेति करना मतलब नाक और गले में अंदर घुस के पोंछा लगाना है, जल कपाल भाती का मतलब नाक और गले में फ्लश चला देना, कपाल भाती का मतलब पूरे शरीर में झाड़ू लगा देना, दंड धौती का मतलब पेट के अंदर फ्लश चला देना, वस्त्र धौती का मतलब पेट में पोछा लगा देना, अग्निसार का मतलब पेट में वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर देना, और जल बस्ती का मतलब पेट के अंदर फ्लश चला देना। तो जो फ्लश चलाने, पोछा लगाने या वैक्यूम क्लीनर की मशीन या झाड़ू लगा देने से, ब्रश करने से जो सफाई आप बाहर देखते हैं, इन क्रियाओं के अभ्यास से वही सफाई अंदर के अंगों की जा सकती है। यह जस्ट छोटा सा परिचय हो गया। अब साथियों, हम लोग त्राटक क्रिया पे आ जाते हैं। आज की पहली जो क्रिया की हम लोग इस बैच की शुरुआत करते हैं त्राटक क्रिया से, तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है साथियों, त्राटक क्रिया क्या है? तो यह जो छह मौलिक शरीर शोधन क्रियाएं जिनकी शास्त्रों में चर्चा की गई है, उनमें से एक है, उनमें से एक क्रिया का नाम त्राटक क्रिया है। त्राटक क्रिया का डिफिनीशन क्या है कि अपनी आंखों को एक बिंदु पर फिक्स कर देना। और कब तक फिक्स कर देना? जब तक कि आंखों से आंसू न निकलने लगे। इस अगर आप ऐसे किसी बिंदु पे फिक्स कर देते हैं, अभी आप बैठे हैं, अचानक एक बिंदु पे आंख फिक्स कर दीजिए, आंख हिले न। अगर आप कहीं बैठे हैं, आप ऐसे आंख अपना एक बिंदु पे, मेरे सामने एक पॉइंट है, मैं उस पर फिक्स कर, तब तक आंख पलक नहीं झपकेगी जब तक आंख से पानी न निकलने लगे। तो इसी अवस्था, इसी क्रिया को त्राटक। लेकिन इसके डिटेल में जब चर्चा करेंगे तो आप समझेंगे कितनी मिरेकुलस यह क्रिया है। अच्छा, अगला पॉइंट साथियों, त्राटक इज नॉट ए मेडिटेशन।
यह बहुत ही क्लियर जान ले, त्राटक एक शरीर शोधन क्रिया है। तमाम बाहर लोग इसको त्राटक मेडिटेशन, त्राटक ध्यान ये सब करके बोलते हैं, यह टेक्निकली सही नहीं है। त्राटक करने से ये बात सही है कि मेडिटेशन वाले कुछ बेनिफिट त्राटक में भी आते हैं, और वह बेनिफिट तो आप जल नेति में भी आएगा, नयन नेति में भी आएगा, सब में आएगा। ध्यान लगने वाला, जब बॉडी का टॉक्सिन निकलता है तो शरीर ऑटोमेटिक बहुत अच्छी क्वालिटी का हो जाता है। तो त्राटक करने से आपके शरीर की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, लेकिन इसको मेडिटेशन नहीं कहेंगे। कोई आपसे बोले त्राटक मेडिटेशन, तो आप सीधा बताए भाई त्राटक बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की टेक्निक है, ये मेडिटेशन नहीं है। अच्छा साथियों, त्राटक क्रिया का फाइनल पोस्चर क्या है? फाइनल पोस्चर यह है कि हम सिद्धासन में बैठ जाते हैं और एक बिंदु पे, वो बिंदु कैसा है वो मैं अलग बताता हूँ भी, एक बिंदु पे लगातार देखते रहें, यह फाइनल पोस्चर। अभी मैं इसका पूरा डिटेल आपसे शेयर करूंगा, तो फाइनल पोस्चर को बस अब इतना जाने कि आपके एक बिंदु पर लगातार देखना है। इंस्ट्रूमेंट इसमें क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट साथियों इसमें बहुत हो सकता है, किस बिंदु पर ध्यान लगाना है। यह आपके घर में यह सूरज भी हो सकता है, कुछ लोग सूरज पे ध्यान लगाते हैं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। चंद्रमा हो सकता है, कुछ लोग दीपक पे ध्यान लगाते हैं। मैं यहाँ जो आपको करवाऊंगा एक डॉट पे करवाऊंगा, सिंपल एक डॉट लगेगा दीवार में, उस डॉट के पे ही हम ध्यान लगाएंगे। अलग अलग ऑब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डॉट पे कराऊंगा। कराने वाले लोग सूरज पे भी त्राटक कराते हैं, चांद पे कराते हैं, दीपक पे। मैं जब त्राटक क्रिया सीखा था तो मैंने दीपक पे ध्यान लगाया था, लेकिन साथियों दीपक पे ध्यान लगाने के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट चाहिए। नॉर्मली हम लोग घर में शायद अरेंज नहीं करते। मैं जहाँ उस समय सीखा था, अच्छा इंस्टीट्यूट था, वहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। बेसिकली उसका रिक्वायरमेंट ये है कि जब आप दीपक जलाएं उसकी लौ हिलनी नहीं चाहिए, यह रिक्वायरमेंट। तो वो जनरली हम लोग घर में ऐसा अरेंजमेंट करना सबके लिए संभव नहीं होगा। अगर कोई कर सकते हैं तो करें, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। उसमें यह है कि पूरा कमरा बंद हो, हवा न हो और फैन न चले, बिल्कुल कोई किसी की आवाज आ ही ना हो तो कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको यहाँ डॉट वाला कराऊंगा, सब लोग अपने घर में बड़े ही आराम से कर सकते हैं। मैंने खुद भी अपने घर में जब किया है तो मैंने ये इसी डॉट पर किया है। तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। और साथियों जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको, इसमें एक सफ़ेद रंग का A4 साइज का पेपर चाहिए, फुल्ली ब्लैंक, लाइन वगैरह ना हो उसमें। A4 साइज का जो प्रिंट वाला पेपर होता है, थोड़ा मोटा होगा तो अच्छा होगा। एक छोटी सी कैंची चाहिए और एक सफ़ेद रंग का टेप होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट टेप हो। तो यह इंस्ट्रूमेंट है वो कागज को फिक्स करने के लिए, डॉट को लगाने, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन तो वह सिंपल डॉट होगा। वो मैं अभी डिटेल में आगे चलता हूँ, आगे मैं बताऊँ। सबसे पहला साथियों, त्राटक क्रिया के बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स को ध्यान से सुन लें, और यह सब के लिए इतना लाभदायक है कि त्राटक क्रिया करना ही चाहिए। तो सबसे पहला बेनिफिट है, आपके शरीर से आँख के क्षेत्र का टॉक्सिन्स निकालता है और आँख के रोगों को यह ठीक करता है। आँख में जो भी रोग हो, किसी का आँख भारी रहता है, लाल हो जाना, पानी गिरना, यह सारी चीज़ें इससे ठीक हो सकती हैं। आँखों से पानी गिरना और आँखों में चश्मा, यह दो मेरी खुद की समस्या थी। पानी गिरने की मेरी समस्या त्राटक से ही दूर हुई और चश्मा मेरा उतर गया। चश्मा मैं पहले लगाता था, आज से कोई पुराना मेरा वीडियो जाए यूट्यूब पे देखेंगे तो पहले मैं चश्मा लगाता था, अभी मैं चश्मा नहीं लगाता। लेकिन अब ये भी नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ त्राटक से हुआ, मैं सात्विक आहार भी लेता हूँ तो किस चीज़ से हुआ ये नहीं पता, लेकिन चश्मा उतर गया है ये जरूर। लेकिन निश्चित रूप से त्राटक का इसमें बहुत रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और
त्राटक क्रिया करने से साथियों हमारी आंखों को बहुत ही रिलैक्सेशन मिलता है। जो लोग कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ऑफिस के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा किताब वगैरह पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना आ गया है और वर्क फ्रॉम होम का ज़माना आ गया है, ऐसे लोगों के लिए त्राटक रामबाण है। छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ये उनको त्राटक कराएंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा, उनकी आंखों को बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिलेगी। अच्छा, अब जो है त्राटक से अगला बेनिफिट क्या होता है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता है, त्राटक क्रिया करने से ध्यान की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप काम में मन लगने लगता है, शरीर आपका एक्चुअली सिर का एरिया इतना हल्का हो जाता है आपको समझ में ही नहीं आता। अभी जब आप त्राटक क्रिया करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो अभी तक 500 किलो का वजन लेकर घूम रहा था और इस त्राटक क्रिया ने तो वजन उठा के बगल रख दिया, यानी हल्का महसूस होता है। तो जब पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ता है तो नेक्स्ट बेनिफिट है, माइंड को मोर क्लियर और स्टेबल बनाता है, आप फोकस्ड हो जाते हैं और बहुत ही गलत विचार आने धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, इससे आपकी मेमोरी की क्षमता बढ़ती है। त्राटक क्रिया करने से ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है, मेमोरी की क्षमता बढ़ती है और यह पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। त्राटक क्रिया करने से आज्ञा चक्र मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, यह दो ग्लैंड आपके स्टिमुलेट होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है साथियों, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी दोनों जो आँख की भौं हैं उसके बीच में होती है, और जो लोग साइंस जानते हैं वो जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है, पूरे बॉडी का मास्टर ग्लैंड है, और जब आप मास्टर ग्लैंड अगर मास्टर जी सही हो जाए तो पूरा शरीर सही हो जाता है। इस तरह साथियों त्राटक क्रिया पूरे शरीर के स्वस्थ रखने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और पीनियल ग्लैंड क्या है साथियों, अगर आप कोई भी मॉडर्न साइंस की पुस्तक लें, बायोलॉजी की या मेडिकल साइंस की, तो आप देखेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में हर जगह यही लिखा है, इसकी फंक्शनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन योग में उसकी फंक्शनिंग के बारे में बड़े आराम से पता है। इसको सहस्रार चक्र बोलते हैं और त्राटक क्रिया करने से सहस्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है और शरीर में नई नई क्षमताएं आ जाती हैं, न्यू फैकल्टीज ऑफ माइंड। वो क्षमताएं किस तरह की होती हैं, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, जो पतंजलि योग दर्शन में लिखा हुआ है, पीनियल ग्लैंड जिसका एक्टिवेट हो, सहस्रार चक्र जिसका एक्टिवेट हो जाए, उसके अंदर बहुत सारी पावर आ जाती है, जैसे पानी पे चलना, जमीन के ऊपर उठ जाना, हवा में चलना, आग पे चलना और बिना जले हुए। इस तरह जो आप लोग किस्सा कहानियों में सुने हुए हैं, यह कोई मजाक की बात नहीं, ये सब ट्रूथफुल है, लेकिन उस स्तर का साधक होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो उस स्तर की मैच्योरिटी को अचीव कर चुके हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं अगर पौराणिक कथाओं कहें तो हनुमान जी का एग्जाम्पल आता है। हनुमान जी अपने आकार को जैसा बड़ा चाहे कर सकते थे, जितना छोटा चाहे कर सकते थे। इस तरह की क्षमताएं त्राटक ये पीनियल ग्लैंड के स्टिमुलेट होने से आती हैं, ऐसा योग शास्त्र कहता है। अच्छा, अगला है आज्ञा चक्र। जब एक्टिवेट होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है, तो माया का खेल हट जाता है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि यह क्या बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है। क्लास खत्म होते होते मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। किसी को लग रहा है कि ओपन न्यू फैकल्टीज क्या है, ये माया का खेल हट जाएगा क्या मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है साधक एक्सपीरियंसेस अद्वैत भाव। आपका अद्वैत भाव, ये पूरी कायनात एक सिंगल यूनिट है, आपका अपना ईगो और अहंकार चला जाएगा। यह इस क्लास के त्राटक क्रिया के खत्म होते, त्राटक क्रिया तो अभी कई दिन चलेगा, त्राटक क्रिया खत्म होते होते मैं यह आपको अनुभव के स्तर पे दिखा दूंगा। तो
त्राटक क्रिया करने से फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हार्मोनी अचीव होता है। और बेस्ट पर्सनालिटी वही है जिसका फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हार्मोनी हो। तो त्राटक क्रिया वास्तव में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जो आप सोचेंगे वही आप बोलेंगे, वही आप करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा हार्मोनी आ जाएगी। जनरली ऐसा होता नहीं है, हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। त्राटक क्रिया करने से यह प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। जो सोचेंगे वही बोलेंगे और जो बोलेंगे वही करेंगे। इस तरह के बेनिफिट साथियों त्राटक के क्रिया में आते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये बेनिफिट एक ही दिन में आ जाएगा। आप गए सप्ताह भर त्राटक क्रिया करें और लौट के आए सर कुछ हुआ ही नहीं। सालों साल यह क्रिया की जाती है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसे वितो दृढ़ भूमि, पतंजलि योग दर्शन का एक सूत्र है। लंबे समय तक लगातार अभ्यास करने से योग की चीजों का आप फायदा पाते हैं। बहुत थोड़े समय, एक दो दिन, चार दिन, महीने, दो महीने करने से आप कहेंगे बेनिफिट नहीं हुआ, इसका मतलब आपने सही से समझा ही नहीं योग को। लंबे समय तक अभ्यास करना है। अच्छा आप साथियों, त्राटक कितने प्रकार का होता है? त्राटक तीन प्रकार का होता है। जैसे मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, एक वस्तु है जिसपे आपको ध्यान लगाना है। अगर वह वस्तु बाहर, आपके शरीर से बाहर रहने वाली कोई भी वस्तु है, तब उस क्रिया को त्राटक कहते हैं, वाह्य त्राटक। जैसे मैं आपको जो कराऊंगा यह वाह्य त्राटक है। बाहर एक डॉट रहेगा, उस पे आप ध्यान लगाएंगे। कोई दीपक पे लगाएगा, कोई सूरज पे लगाएगा, कोई कहीं लगाएगा, जहां भी आप एक टक देख रहे हैं उसको वाह्य त्राटक। जब तक वह वस्तु ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बाहर है, इसको वाह्य त्राटक कहते हैं। वाह्य त्राटक में साथियों हमारी आंख पूरी तरह से खुली होती है, खुली आंखों से सामने की उस वस्तु को देखते हैं, इसलिए आंखें खुली रहती हैं, इसलिए इसको पूर्णिमा दृष्टि भी कहते हैं। वाह्य त्राटक पूर्णिमा दृष्टि भी कहलाता है। अच्छा अंतरंग त्राटक क्या होता है साथियों? त्राटक जब वाह त्राटक आप बहुत दिन तक करते हैं तो धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि बाहर उस वस्तु की जरूरत ही नहीं है, आप आंख बंद करके ही उस वस्तु का ध्यान लगा सकते हैं। और जब आंख बंद करके वस्तु का ध्यान लगाते हैं तब उसको कहते हैं अंतरंग त्राटक। और इस समय चूंकि आंख बंद रहती है तो अमावस्या दृष्टि, वाह्य त्राटक पूर्णिमा दृष्टि और अंतरंग त्राटक अमावस्या दृष्टि। अधो त्राटक, एक त्राटक साथियों ऐसा भी होता है कि हम आँख को आधा बंद और आधा खुला रख के किसी वस्तु पर ध्यान लगाते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक बार दिखाऊं तो अगर वाह्य त्राटक है आँख ऐसे रहेगी पूरा खुली, अंतः त्राटक है आँख बंद रहेगी अंदर ध्यान लगाएंगे, अधो त्राटक है ऐसे रहेगा नीचे देखेंगे, आंख खुली भी है बंद भी है, पूछ देखे मैं इसमें आधा देख रहा हूँ, इसको अधो त्राटक कहते हैं। इस समय जो दृष्टि होगी उसको प्रतिपदा दृष्टि कहते हैं। महीने का जो है आप समझ गए, पूर्णिमा, अमावस्या और प्रतिपदा, यह तीन तरह की दृष्टि होती है, तीन तरह के त्राटक होते हैं। अच्छा आप साथियों, हमने त्राटक क्या है समझ गए, त्राटक के बेनिफिट समझ गए, त्राटक के प्रकार समझ गए। अब हम त्राटक की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथियों त्राटक क्रिया यह आपके मानसिक बल का टेस्ट है। त्राटक क्रिया अभी जब मैं करवाऊंगा, अभी आपको लग रहा है कि बड़ा आसान है, एक टक देखते ही रहना, इसमें कौन सी बड़ी चीज है, आप जब करवाऊंगा तो समझ जाएंगे। मानसिक रूप से स्ट्रांग लोग ही इस क्रिया को कर पाएंगे। जो मानसिक रूप से अनस्टेबल हैं, इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, जिनको डर भय होता है, वह यह क्रिया नहीं कर पाएंगे।
और आप सभी लोग इस क्लास में हैं, इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, इसका मतलब आपका मानसिक बल बहुत ही ज्यादा है और आप सभी लोग यह क्रिया निश्चित रूप से करेंगे ही। अगला पॉइंट है साथियों, कौन नहीं करेगा यह क्रिया जिनका आंख में अभी कोई रिसेंट बड़ा ऑपरेशन हुआ है, और रिसेंट का मतलब पिछले एक साल मान लीजिए, एक साल में कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, अभी इलाज चल रहा है या अभी नॉर्मल जीवन शुरू नहीं हुआ है, तो त्राटक क्रिया न करें। और उम्र में जो है, उम्र में कोई लिमिटेशन नहीं है, सारे लोग कर सकते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग करें, बस बीमारी का ध्यान रखें। छोटा बच्चा बहुत है लगातार भाग दौड़ करे, ऐसा नहीं। अब कोई बच्चा बिल्कुल 2 साल का, उसको आप त्राटक न करें, उसका मन ही नहीं लगेगा, तुरंत भाग जाएगा। और त्राटक में साथियों मैं एक चीज बताऊं कि ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बदलना, अगर आपने एक डॉट पे लगा के अभ्यास शुरू कर दिया तो उसको बदलिए नहीं। ये नहीं कि कल मैं सूरज पे लगाऊंगा, परसों मैं ये बल्ब पे लगाता हूँ, फिर ट्यूबलाइट पे लगाऊंगा, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको सही में त्राटक क्रिया का बेनिफिट लेना है। और नेवर चेंज ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, आप वाह से अंतः चले जाए अलग बात है, लेकिन तब भी वही, अगर वाह आप डॉट पे ध्यान लगा रहे हैं, आंख बंद करके उसी डॉट पे ही ध्यान लगाएं। अच्छा, कितनी बार करेंगे यह क्रिया, त्राटक क्रिया आप प्रतिदिन कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको सही समय लगे, ठीक है। अलग अलग, मैं अब त्राटक क्रिया मैं अभ्यास नहीं करता हूँ अभी, जब मैं अभ्यास करता था मैं 15 मिनट तक त्राटक क्रिया मैंने की। अब 15 मिनट बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, अभी आप लोग जब करेंगे, आपके इसी ग्रुप में 2-4 लोग ऐसे निकलेंगे, एक एक घंटे बैठे रहेंगे, इतना आनंद आता है कि हिलने का मन नहीं करता है। तो इस त्राटक क्रिया आप प्रतिदिन कर सकते हैं, और जब रिलैक्स करना, रिलैक्स के भाग दौड़ में त्राटक क्रिया न करें। ऑफिस बच जा रहे हैं, 5 मिनट बचा है तो त्राटक न करें। इनफैक्ट त्राटक ने कोई भी योग अभ्यास भाग दौड़ करके नहीं करना चाहिए। अब रोड को चौड़ा करें और स्वयं से मिलें। यह क्या चीज है साथियों, मैं छोटा सा आपको, जो हमारा यहाँ पे ब्रेन का हिस्सा है, यहाँ से नसें निकली हुई हैं, आंख पर आ रखी हैं, है कि नहीं, वहां से आंखों तक ये नसें आ रखी हैं। और वह जब आप करेंगे, एक मिनट जरा, ये फोन आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, डिस्टर्ब करूँगा। मैं क्षमा चाहता हूँ असुविधा के लिए, हालांकि सारे फोन जनरली मैं शांत करके रखता हूँ, लेकिन ये लैंडलाइन फोन था वो रह गया, मैं क्षमा चाहता हूँ असुविधा इसके लिए। चले हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो ये जो ब्रेन ये रोड को चौड़ा करे, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन से पूरे शरीर में नसें गई हुई हैं, नर्व सिस्टम, आंखों तक भी वो नसों का जाल आया हुआ है। और साथियों यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आंखों का रास्ता है, जो नसें हैं, उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होते हैं, बहुत सारा, इसलिए हम अपनी आंख का सही परफॉर्मेंस नहीं देख पाते हैं। जब यह त्राटक क्रिया आप करेंगे, जैसे भी आप करते हैं, जो अलग अलग तरीका बताऊंगा, जिस तरह से भी आप करते हैं, त्राटक क्रिया करने से यहाँ से ब्रेन से लेके नसों तक के बीच का जो रास्ता है वो क्लीन हो जाता है, और जब क्लीन हो जाता है तो आंखों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। त्राटक क्रिया जब आप करेंगे, हफ्ते 10 दिन में भी आप मेरी इस बात की सच्चाई देखेंगे कि हाँ यह बात तो सही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा पिछले जो स्टूडेंट्स आपके पहले आए वो भी कहते हैं, ऐसे मेरा खुद का अनुभव है और आपका भी एक वीक बाद यही अनुभव होगा।
रोड को चौड़ा करें और स्वयं से मिलें। जब आपका टॉक्सिन आंख के क्षेत्र का निकलेगा तब जो आंख आएगी वह आपकी असली आंख है। अभी जो आपकी आंख है यह असली आंख नहीं है, गंदी हो गई है, वीक परफॉर्मेंस है, उसकी परफॉर्मेंस देखें। अच्छा, आप साथियों इसकी तैयारी जो है, इसकी तैयारी क्या करते हैं, इसमें तैयारी के लिए मैं इसको अलग से मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा। तैयारी पे क्या करते हैं कि अपने, मैं पूरा बता देता हूं, उस वीडियो में भी डिटेल में मैंने करके दिखाया हुआ है। अपने घर में एक ऐसी जगह चूज करें जहां पे प्लेन दीवार हो, प्लेन दरवाजा हो या कोई अलमारी हो, सिंगल कलर की हो, बहुत ज़्यादा अलग अलग रंग की ना हो, प्लेन दीवार, ठीक है, प्लेन हो, कलर लाइट हो तो बहुत ही अच्छा है, हल्का नीला, जैसे मेरे पीछे हल्का नीला ये चलेगा, या ये पीपीटी का जो स्लाइड का कलर दिख रहा है ये चलेगा, सफ़ेद हो चलेगा, हल्का पीला चलेगा, ऐसे हल्के कलर का हो। और वहाँ पे आप अगल बगल बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें ना, मतलब उस कमरे में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, बहुत ज़्यादा सामान, घर का मतलब घर का सामान बहुत ज़्यादा ना हो, और खाली खाली जगह हो, और वहाँ पे 1.5 मीटर दूर आप बैठ सकें उस दीवार से या उस दरवाजे से, उस अलमीरा से, जो भी लोकेशन आइडेंटिफाई किया है, 1.5 मीटर दूर आप बैठ सकें। और बैठने का क्या तरीका है और किस पर बैठेंगे, जनरली नेचुरल मैट पे बैठते हैं तो अच्छा है, तो वो मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, कैसे तैयार करते हैं, कैसे वह कागज लगाएंगे, कागज एक सफ़ेद रंग का कागज होना चाहिए, मैंने शुरू में बताया, ट्रांसपेरेंट टेप हो, कैंची हो आपको चिपकाने के लिए, तो वह पूरा एक वीडियो है, वह अलग से शेयर कर दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जो वीडियो वो देख लें और अपने घर में वह स्थान आइडेंटिफाई कर लें, पेपर जैसे वीडियो में बताया गया है वैसे पेपर वगैरह चिपका लें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें मैं भी देशयोग टीम के सभी लोग अलग अलग आपसे वह चेक करेंगे कि आपने पेपर सही लगाया है या नहीं, एक एक लोगों पे हम लोग आएंगे और सबका वो चेक करेंगे, इसलिए आप बहुत ध्यान से पेपर को, जैसा वो तैयारी का वीडियो मिलेगा उसको देख लें और आप वैसे ही अपने घर में आइडेंटिफाई करके लगा लें। नेक्स्ट चलिए, ये साथियों आंख जो हमारी है, आंख का हम स्ट्रक्चर में चाहता हूँ कि आप लोग समझें, तब आप त्राटक क्रिया समझ पाएंगे। अच्छा, त्राटक क्रिया जो तैयारी लिखा है वो मैं बता देता हूँ, तैयारी की इनफैक्ट बैकग्राउंड में ही ये बात थी। त्राटक क्रिया जो मुख्य त्राटक क्रिया, जैसे मैं बोला कि आपको बंद आँख खोल के एक जगह देखना है और यह देखना साथियों आसान नहीं होता, उसके लिए हम आँख को प्रिपेयर करेंगे। फिर ये जो ये तैयारी जो लिखा है, यह आँख को कागज वगैरह तो लगाना ही है, कागज वगैरह लगाने के बाद आँख की कुछ एक्सरसाइज हैं, वो एक्सरसाइज ही आपका प्रिपरेशन होती है, तो वो प्रिपरेशन करना कैसे करना है, क्यों करना है, उसको जानने के लिए हम यह आँख की स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो साथियों ये जो कर्सर आप देख रहे हैं, जो मेरा पॉइंटर लैपटॉप का घूम रहा है, यह आँख का गोला है, इसी को हम, ये पूरा गोले जैसा आकार है जो हमारी आँख दिख रही है। आँख के पीछे 6 पट्टियाँ होती हैं, ऑक्सिलरी मसल्स हैं इनका नाम है, तो मैं जस्ट लेमैन लैंग्वेज बोल रहा हूँ, 6 पट्टियाँ होती हैं, इलास्टिक आप कह सकते हैं, जिनसे यह आँख पीछे जुड़ी होती है, 6 पट्टियाँ हैं ये पूरी तरह। और यह साथियों कैसा होता है, जब आँख आप ऊपर नीचे से, मैं वही बोलूँ, देखिए मैं आँख को इधर कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट, अप डाउन, इसका क्या मतलब है कि जो आँख का गोला है उसके पीछे की जो पट्टियाँ हैं वो ऐसे ऊपर नीचे होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, तो आपकी ये पुतली ऊपर नीचे भागती है, जैसे देखिए एक, तो जो आँख के पीछे पट्टियाँ हैं ये ऊपर नीचे करती हैं, साइड में करते हैं तो पट्टियाँ ऐसे ऐसे मूव करती हैं, आप आँख ऐसे घुमाते हैं तो पट्टियाँ ऐसे घूमती हैं,
साथियों क्या होता है कि जो ये छह पट्टियां हैं, अगर हम लोग ज्यादातर, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी कल्चर में ऐसे तिरछा देखना किसी को खराब माना जाता है। कहते हैं आंख से आंख मिला के बात करो। अब आंख से आंख मिला के बात किया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो पीछे मसल है वो, उसको आपने ऐसे सीधा देखने की ट्रेनिंग दे दी है। वो बिचारी कभी ऐसे मूव भी नहीं किया, कभी ऐसे ऊपर नीचे नहीं किया। इसकी वजह से क्या होता है, वो मसल जाम हो गई है। जो आंख के पीछे की छह मसल्स हैं वो जाम हो गई है, और जाम हो गई है उस मसल का मूवमेंट क्या होता है, बस ऐसे ऐसे मुंह पर हर चार सेकंड में आप ऐसे करते हैं, हर चार सेकंड पलक झपकाते हैं। जब पलक झपकाते हैं तो आंख के पीछे की मसल ऐसे ऐसे घूम जाती है, लेकिन वो मसल ऐसे भी घूम सकती है, मसल ऐसे भी घूम सकती है, ऐसे भी घूम सकते, वो हम कभी नहीं कराते हैं। तो आप जानते हैं जब किसी भी अंग का कोई मोशन न हो तो उस अंग को उस डायरेक्शन में नुकसान होता है। यही बात है साथियों कि हमारा जो आंख की मसल है उसकी वो एक्सरसाइज हुई ही नहीं है, वह इसी वजह से आंख में कुछ समस्याएं आ गई हैं। तो अभी हम प्रिपरेशन में यही करेंगे, आंखों का प्रिपरेशन, आंखों के पीछे की मसल को तैयार करेंगे त्राटक क्रिया के लिए। जब आंखों की मसल तैयार हो जाएगी तब हम मुख्य त्राटक में पहुंचेंगे। तो वह तैयारी क्या है, वह अगली क्लास का विषय है। आज का विषय यह था कि आप पेपर वगैरह लगाना जान लें, त्राटक क्या है, त्राटक के महत्व क्या है, यह सब जान लें। तो अब मैं आगे चलता हूँ। ये छह मसल को हमें स्ट्रांग करना है त्राटक क्रिया, मुख्य त्राटक करने से पहले। नहीं तो क्या होगा, आप जैसे त्राटक क्रिया करने बैठेंगे आप देखेंगे अभी आप चार सेकंड में आंख बंद करते हैं तब हो जाए, दस सेकंड में आंख बंद हो जाएगी, अपने आप ही बंद हो जाएगी। यहां पर हमें चूंकि 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे बिना पलक झपकाए बैठे रहना है, तब वो उसके लिए ये मसल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो वो त्राटक क्रिया के प्रिपरेशन की पूरी एक क्लास अलग होगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। त्राटक क्रिया से जिनको भी फिजिकल बेनिफिट चाहिए, फिजिकल बेनिफिट मतलब आंखों में कोई रोग है, पानी गिर रहा है, निकट दीर जो दूर दृष्टि दोष, जो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या आंखें लाल होती हैं, चश्मा लगाते हैं, इस तरह की जिनकी समस्याएं हैं, प्रतिदिन अगर 5 से 7 मिनट भी या 4 से 5 मिनट त्राटक करेंगे तो यह सफिशियंट है। लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट लेने हैं, जैसे मैंने बताया आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, उन सबको भी स्टिमुलेट करना है, थोड़ा सा उनके भी तरीकों को जानना है, तो आप यह समझें कि 4 से 5 मिनट, 15 से 20 मिनट, आधे घंटे तक करें। तो फिजिकल, ज़्यादातर लोग फिजिकल बेनिफिट चाहते हैं और हमारे पास उतना समय भी नहीं कि हम कोई आध्यात्मिक यात्रा कर सके, हम लोग कर्मयोगी हैं, बैठ नहीं सकते हैं, तो हम 4 से 5 मिनट करेंगे। और अभी जब आप लोग करेंगे तो मैं यहीं पे क्लास में मैं आपको आधे घंटे तक करके दिखाऊं, मतलब आप लोग करेंगे, मैं तो बोलूंगा क्योंकि मैं जब बोल, अगर आप करेंगे तो मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा, तो मैं बताऊंगा, आप लोग करेंगे। इस पूरे क्रिया में साथियों त्राट, यह एक ध्यान रखने वाली बात है, जब त्राटक में बैठ जाएंगे आंख, मतलब शरीर हिलना नहीं चाहिए, आंख झपके नहीं, यह हमें बात ध्यान रखना है। जब भी त्राटक बैठे, अगर लगता है मेरा 2 मिनट में शरीर हिल गया तो आप रिलैक्स हो जाएं, फिर से करें, लेकिन ये नहीं कि रिलैक्स हो गया, हिल गया, चलो मैं बैठा रहता हूँ, ऐसा न करें, आंखों को नुकसान हो सकता है। और ये तो मैंने पहले बता दिया, इफ यूजिंग कैंडल प्लेस मस्ट नॉट बी एयरी, अगर आप दीपक या मोमबत्ती पर त्राटक कर रहे हैं तो एयरी नहीं होनी चाहिए, वो उसकी जो लव है वो इधर उधर हिलनी डुलनी नहीं चाहिए। अब आते हैं मुख्य प्रोसेस, यह विस्तृत चर्चा हमने त्राटक की कर ली। प्रोसेस में साथियों क्या है, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में कैसे बैठते हैं, पेपर कैसे लगाते हैं, 1.5 मीटर की डिस्टेंस, यह सारा जो आपको वीडियो अलग से शेयर किया जाएगा
उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है ये, ठीक है। और इंडिगो स्पॉट, यह एक जानना जरूरी है, क्यों नीले रंग का ही डॉट लगाते हैं? कुछ लोग काला लगाते हैं, पीला लगाते हैं, लाल लगाते हैं, मैं नीला लगाता हूँ क्योंकि जो आज्ञा चक्र है, जो हमारे शरीर में सात चक्र हैं, साथियों सातों चक्र का कुछ रंग डिफाइन हुआ हो रखा है। अगर जो फिजिक्स के लोग हैं, जो वीप ग्योर, जो सातों रंगों का कलर जानते हैं, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अच्छा ब्लू छूट गया, सॉरी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो ये साथी जो आज्ञा चक्र है, जो भाव के बीच में जो जगह है, यहीं पर आज्ञा चक्र है, उसका कलर भी इंडिगो कलर का है, इसलिए इंडिगो कलर यानी नील का रंग, गाढ़े नीले रंग का स्केच पेन यूज करें डॉट बनाने में। अब आते हैं मेन प्रैक्टिस क्या है, उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। मेन प्रैक्टिस में हम लोग साथियों पहले हम प्रिपरेशन सीखेंगे, फिर हम अगली क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। तो अब आप सभी लोगों को करना क्या है, आप सभी लोगों को यह करना है कि जो प्रिपरेशन वाली वीडियो है उसको देख लें, घर में जगह आइडेंटिफाई कर लें, पेपर लें, वैसे पेपर लगा लें, और पेपर जो वीडियो प्रिपरेशन पेपर बहुत ही एकदम चिकना पेपर हो, जितना चिकना हो उतना ही अच्छा है, पेपर सफ़ेद रंग का लें, कलर भी अगर किसी के पास सफ़ेद उपलब्ध नहीं है तो हल्का पीला वगैरह चलेगा, बहुत लाइट येलो कर सकते हैं, और नीले रंग का वो डॉट बैठने की जगह वगैरह आइडेंटिफाई कर, वो वीडियो देख लेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ साथियों मैंने त्राटक के बारे में सब कुछ बात को बता दिया, जो बेसिक जानकारी है, बेनिफिट्स इसके ट्रेमेंडस हैं, जरूर करें। एक लेवल के बाद जैसे जब आप योग में आगे बढ़ेंगे, जरूर नहीं त्राटक जीवन भर ही करना, ऐसा नहीं, मैंने बहुत दिन त्राटक किया फिर मैंने बंद कर दिया, एक स्टेज के बाद आपको जब योग में आगे जाएंगे तो तमाम तो और भी अभ्यास हैं, त्राटक तो एक अभ्यास नहीं, आगे चल के आसन है, प्राणायाम है, धारणा, ध्यान, समाधि है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो लेकिन वो एक स्टेज आएगा, अभी जब शुरुआत की स्टेज में यह करना है। इवन जो लोग प्राणायाम या ध्यान यह लोग करते हैं या करना चाहते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि सभी शरीर शोधन क्रियाएं जरूर करें। यह शरीर शोधन क्रियाएं करने से आपका मेडिटेशन, आपका ध्यान जो लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी आपको अनुभव नहीं, चूंकि मैं ये सब किया हूँ तो मैं उसके अनुभव से कह रहा हूँ कि आपके मेडिटेशन की क्वालिटी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो साथियों आज की क्लास मैं यहाँ से इंड करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने आपको त्राटक की बेसिक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे दी, निवेदन आपसे एक ही है, वह वीडियो देख लें और घर में अपना पेपर सेट कर लें, और इसकी चर्चा फिर अगली क्लास में हम लोग आपके सिटिंग पोस्चर देखेंगे, चेक करेंगे, देश योग टीम के लोग रहेंगे, मैं भी रहूँगा, सारे लोग आपका इंडिविजुअल एक एक लोगों के स्क्रीन पे आके आपका पूरा स्पॉटलाइट करके आपका देखा जाएगा। फिर उसकी अगली क्लास में त्राटक क्रिया में बैठा तैयारी, मतलब प्रिपरेशन, मुख्य त्राटक के पहले जो आँखों की मसल या आँखों को तैयार करना है उसको हम देखेंगे, और फिर उसके बाद मुख्य त्राटक आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो मैं यहाँ से आज की क्लास एंड करता हूँ, और मेरा निवेदन है कि इस क्लास, यह क्लास आपको कैसे लगी इसका फीडबैक दें, जिससे क्या होगा, अगर इस क्लास में कोई त्रुटि हो, कोई कमी रह गई हो, तो इसको आगे आने वाली क्लासेस में मैं उसको सुधार सकूँ। आपके फीडबैक से ही, आपके पुराने लोगों ने फीडबैक दिया तो यहाँ तक क्लास आई, आप फीडबैक देंगे तो हम और अच्छा करेंगे, और अच्छा आपकी सेवा कर पाएंगे। चले साथियों मैं प्रेयर करके यहाँ से क्लास एंड कर रहा हूँ, और साथियों चूंकि आप लोग नए हैं तो मैं बता दूँ कि देश योग में जो एक लास्ट में एक प्रेयर होती है, सरेंडर प्रेयर, इस सरेंडर प्रेयर का यह मतलब है कि हम इस क्लास से जो ज्ञान मिला वो तो लेकर चले जाएंगे,
अहंकार लेकर नहीं जाएंगे, जाके यहाँ से किसी को आप ये नहीं, मैं तो त्राटक सीख लिया, मैं त्राटक जानता हूँ, अहंकार नहीं लें, इस क्रिया का ज्ञान यहाँ से लेकर जाएं, खुद भी बेनिफिट लें, दूसरों की बेनिफिट दें। ठीक है, चलिए मैं ये जो प्रेयर है ये भगवान रामकृष्ण परमहंस जी, माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद जी की मैं स्तुति करूँगा, उनके चरणों में अपना ईगो समर्पित कर दूंगा, मैं भी यहाँ से ज्ञान लेके जाऊं। आप लोग भी अपने अपने ईश्वर का ध्यान करें, जरूरी नहीं कि आप इनका ही ध्यान करें, आप अपने ईश्वर जिनका भी मानते हैं उन ईश्वर का ध्यान करें और सारा ईगो यहीं रखकर चले जाएं, क्योंकि अभी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप ऐसी ऐसी चीजें करेंगे आपके समाज परिवार घर वाले लोग सुने भी नहीं होंगे, तो आपका ईगो आना स्वाभाविक है, तो उस ईगो को यहीं क्लास में रख के जाएंगे, ज्ञान जरूर लेकर जाएंगे। चलो मैं प्रेयर करके, ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिने अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः, जननीं शारदां देवी राम कृष्ण जगत गुरु पाद पद में तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुः। नमः श्रीयति राजाये विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामी नेतापहारिणे। ओम शांति 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 हरिः ओम तत्सत् श्री राम कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने इतना समय निकाला इस क्लास के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लिया, मैं देशयोग टीम के सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके सहयोग से यह क्लास चल पा रही है। साथियों क्लास में तो मैं हूं लेकिन मुझे पता है पूरी टीम देशयोग टीम बैकग्राउंड में काम कर रही है, सभी सदस्यों का धन्यवाद और देशयोग चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं आपकी ऐसी सेवा कर पाऊँ, आपसे ऐसी चर्चा कर पाऊँ, और फिर लास्ट में मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने ऐसा एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया हमें कि हम सभी लोग अपने अपने घर में बैठ के इस गूढ़ क्रिया को समझ पा रहे हैं। इन सभी क्रियाओं को शास्त्रों में गुप्त क्रिया बोला गया है लेकिन इन गुप्त क्रियाओं को बड़े ही आसानी से हम समझ पा रहे हैं, तो ईश्वर का हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। नमस्ते साथियों, अब मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी सुखी जीवन को प्राप्त करें, स्वस्थ शरीर मिले आपको, यही मैं ईश्वर से कामना।